हम खड़े हैं मिर्जापुर के कौली गांव में, और जो यहां गांव वालों की समस्या बिजली की, जो बगल से बिजली का जो हाई वोल्टेज गया, लेकिन पास में ही गांव है और वहां बिजली नहीं है। आपका नाम? लक्ष्मण। ये मीटर लगा है लेकिन बिजली नहीं है यहां? नहीं। कितने दिन पहले मीटर लगा? मीटर लगा है। तो बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत होती है? तो शाम को क्या सहारा है आप लोगों को? प्रकाश देवरी और लालटेन। अभी हम खड़े हैं मिर्जापुर के कौली गांव में, और जो गांव वालों की समस्या है बिजली की समस्या। हाँ, आज तक बिजली नहीं है, और कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे, तो हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, वहीं बताएंगे क्या क्या दिक्कत है। हम लोग के गांव में लाइन बहुत सही से नहीं आती है, जिसे हम लोग को लाइन आती है कि नहीं आती है? आती है, लेकिन बहुत। अभी हम खड़े हैं मिर्जापुर के कौली गांव में, और यहां की जो समस्या बिजली की समस्या है। क्या नाम है आपका भैया? तो कितने दिन पहले ये मीटर लगा? ये लगा है 5-6 महीने पहले लगा है। तो लाइट अभी आई कि नहीं? नहीं, लाइट को नहीं आई है। जैसे बगल से 11,000 का तार गया, लेकिन गांव आया नहीं है बिजली? हाँ, लाइन तो 11,000 गई, अभी तक लाइन है नहीं आया है। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर बहुत टाउन एरिया है, यहाँ कीड़ा बिच्छी सांप गोजर बहुत जंतु निकलते हैं, जहरीले जंतु बहुत काट, और लोग काटा है, मर चुके हैं आदमी लोग, बहुत यहाँ परेशान है बिजली के लेकर, बहुत लोग परेशान है। यहाँ पट्टी का तेल भी नहीं मिलता है, समय समय से हम लोग अंधेरे में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किसी तरह से लाइट बत्ती नहीं मिल रहा है, कहीं से डीजल खरीद रहे हैं तो कहीं मट्टी का तेल नहीं मिल रहा है, हर समय से हम लोग ऊपर है। मतलब आज भी लालटेन और ढिबरी का साथ? आज भी हम लोग लालटेन जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, और नहीं रहता है तो मोमबत्ती लाकर जलाते हैं, कभी कल डीजल लाकर जलाते हैं, इससे सहारा हम लोग का चलता है।